नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। आइए रुक करते हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के फैसले पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बोले, मैं सरकार का साधुवाद करता हूं और इस फैसले का स्वागत करूंगा। जब देवस्थानम बोर्ड बना था तब वहां के पंडा समाज, तीर्थ, पुरोहित सभी का कहना था कि ये नहीं होना चाहिए। पेंटागन रिपोर्ट में खुलासा, अमेरिका को चीन से सबसे ज्यादा खतरा। अमेरिका प्रशासन और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चीन की तानाशाही को हर हाल में रोकना बहुत जरूरी है। आज 1 दिसंबर से फिर पड़ी महंगाई की मार, SBI का क्रेडिट कार्ड महंगा हुआ। माचिस की डिब्बी की कीमत दोगुनी, PNB सेविंग अकाउंट पर ब्याज कम हुआ, जियो के रिचार्ज भी महंगे हुए। LIC की हाउसिंग फाइनेंस स्कीम बंद, गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होगी। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता देख महाराष्ट्र में प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य। आज से हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कड़े नियम लागू। और WHO ने कहा ओमिक्रॉन को नहीं रोक पाएंगे, यात्रा प्रतिबंध, 60 से ऊपर की उम्र वाले ना करें ट्रैवल, यह बहुत जोखिम भरा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 1678 विस्थापित लौटे कश्मीर, 150 आवेदकों को जमीन बहाल हुई। अमेरिका में 15 साल के लड़के ने स्कूल में 3 छात्रों को उतारा मौत के घाट, 5 मिनट में दागे 15 से 20 राउंड फायर, 6 घायल। केंद्र सरकार की बड़ी पहल, MSP पर समिति के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे 5 नाम, लेकिन मोर्चा ने अभी नाम तय नहीं किए। शीतकालीन सत्र 2021 में संसद में तीसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार, निलंबन के मुद्दे पर गतिरोध कायम। राज्यसभा से विपक्ष के 12 सांसदों को निलंबन के मुद्दे पर संसद में आज भी गतिरोध कायम रहने की संभावना। BJP सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने रखी भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग, बिहार विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार। पुलवामा जिले के कस्बा यार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए, सर्च ऑपरेशन जारी। ऐसे ही खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।